चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए कनादर वीडियो लेके आया हूँ। मंडे का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा जो कि सिक्स ऑफ द फिफ्थ का, तो सिक्स ऑफ द फिफ्थ के मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कौन से लेयर इंपोर्ट रहेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के, इस वीडियो में देखने वाले। चलिए, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो यहाँ पे ला सको। अभी जो वीडियो बना रहा हूँ तीन बजे जो कि यहाँ पे 3rd February का, निफ्टी यहाँ पे ग्रीन में क्लोजिंग करता देखने को, अच्छा सा हर रोज अपन रेड में यहाँ पे क्लोजिंग करता देखने को मिल रहा है। आज यहाँ पे 222 पॉइंट यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोजिंग करता देखने को, एडवांस में 39 देखने को, डिक्लाइंस में 11 देखने को। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर चार्ट देखेंगे अभी जो आने वाला वीक है, तो आने वाला वीक कहाँ पे हो जाए, इस वीक का अभी जो चार्ट बना है यहाँ पे वीकली कैंडल अगर देखे तो यहाँ पे जो पियर्सिंग कैंडल बना है, पियर्सिंग कैंडल मतलब यहाँ पे रेड कैंडल है, उसके बॉडी के लो के नीचे ऑलमोस्ट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है। जब भी इस ग्रीन रेड कैंडल जो कि 18,200 का लेवल है इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो अभी बुलिशनेस आने वाले शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। डेली कैंडलस्टिक में अगर निफ्टी अगर देखे तो डेली कैंडलस्टिक में निफ्टी क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मैंने जैसे कल आपको बताया था क्या कि यहाँ पे डबल बॉटम टाइप ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है जो कि लोअर लेवल्स पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर परफेक्टली ऑलमोस्ट अगर देखे तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मोमेंटम क्या है। उसके बाद में मैंने आपको एक बोला था कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो दो ग्रीन कैंडल से इस कल के हाई के ऊपर ही यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद में सपोर्ट लेके नीचे की तरफ से जो कि 580 का लेवल है, 580 के लेवल से एक सपोर्ट लेता हुआ ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को। अभी देखे तो अभी जोन कौन सा है वो देखिए, अभी एक जोन है, देखो ये जोन है, इस जोन में मार्केट लोअर लेवल से रिकवर लिया लेकिन मंडे के दिन कुछ बड़ा गैप अप और गैप डाउन होता है, तो फर्स्ट 550 मिनट का कैंडल का लो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अभी मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया का, तो चलिए यहाँ पे देख लेते, जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेते, जो डबल बॉटम बन रहा था, देखो परफेक्टली जो डबल बॉटम बन रहा था चलिए यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया और इस ब्रेक डाउन करके अभी ऊपर की तरफ का मोमेंटम करेगा या नहीं करेगा अभी अपन देख लेते हैं। चलिए अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो डब्ल्यू टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है, इसके ऊपर कैंडल सस्टेन किया, अभी फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस रहेगा जो कि 950 और 900 का लेवल रहेगा। अगर मंडे के दिन कभी ऊपर की तरफ यहाँ पे ओपन होता है इस रेंज में जब भी बाय ऑन डिप एक जा सकते हैं जो कि 17,800 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 17,800 का लेवल को इंपॉर्ट यहाँ पे होल्ड करते तो बढ़िया मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने को। चलिए शॉर्ट टर्म में यहाँ पे अगर देखें तो 15 मिनट में आपको प्राइस एक्शन सिखा देता हूँ कि 15 मिनट में क्या हो रहा है, तो असेंडिंग ट्रायंगल बना है। देखो अभी आज का जो मोमेंटम था तो ऑलमोस्ट यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना और एक बढ़िया मोमेंटम हुआ, उसके ऊपर अगर देखें तो 17,900 का मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल, 950 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, और जो 800 का लेवल है तो ये 800 का लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सब कुछ लॉजिक बताने वाला हूँ। यही से शार्प फॉल आया कल, अगर एक हो देखो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में 800 के अब ही सस्टेन करता है इसके ऊपर ही रहता है तो एक बढ़िया मोमेंटम अपसाइड के लिए रहेगा। जब भी 720 और ये जोन के पास आएगा यहाँ पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ का मोमेंटम करता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे 17,700 के नीचे निकलता है तभी मेरे हिसाब से सेलिंग का प्रेशर है। फिलहाल के लिए यहाँ पे अभी तक कोई सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, जब भी 17,800 के लेवल के ऊपर जाएगा तभी एक बढ़िया मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने को मिलेगा। तो टूवर्ड्स 18,900-950 के लेवल्स मंडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 18,000 का लेवल जब भी ब्रेक करेगा, देखो 18,000 का लेवल जब भी ब्रेक करेगा तो एक अच्छा सा मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने को मिलेगा। चलिए ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस करते हैं कि ओआई डेटा क्या कह रहा है जो कि 9 फेब का एक्सपायरी है, तो 17,800 देखो जो इंपॉर्टेंट लेवल है, 66 लाख कॉल साइड में ओआई, पुट साइड में सबसे ज्यादा ओआई तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के लिए वर्क कर रहा है, और 17,800 के अब अभी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे निकलता है तो टुवर्ड्स द हर्डल लेवल रहेगा 18,000 का। सो 18,000 के लेवल पे देखिए यहाँ पे कॉल राइटर ड्रॉप होते तो यहाँ पे रेजिस्टेंस वीक हो जाकर मोमेंटम अच्छा सा अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। उसी तरह से अगर बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पे देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है, और उसके बाद में हमें डेली चार्ट पे भी अपन यहाँ पे देख लेंगे। वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश देखने को मिल रहा था जो नीचे की तरफ, उसके लिए जो सपोर्ट एरिया था तो जो कि 39,600 का सपोर्ट एरिया था उसने सपोर्ट ले लिया, एक बढ़िया मोमेंटम अपसाइड के लिए करता हुआ देखने को मिल रहा। अभी उसने जो स्पाइक लगाया, देख सकते हैं स्पाइक लगा, जो कैंडल का स्पाइक लगा जो कि 42,000 के लेवल पे नियर बाय यहाँ पे लगाए, तो जब भी 42,000 के लिए नियर के अबव जाएगा तो एक बढ़िया मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने को मिला। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसा अपना डब्ल्यू पैटर्न है, परफेक्टली डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया है। सो ऊपर की तरफ लेवल कौन से रहेंगे, देखो यहाँ पे 41,560, देखो 41,560 के अबव सस्टेन करता है तो ऊपर की तरफ 41,800 का लेवल रहेगा और उसके बाद 41,950 का लेवल रहेगा। लेकिन
कुछ बढ़िया रैली चाहिए तो यहाँ पे 950 क्या वो सस्टेन करता है, तो 42,050, देखो 42,050 और 41,950 के रेंज में यहाँ पे नोई ट्रेड सजेस्ट करूंगा। जब भी देखो 42,050 के अबव सस्टेन करता है, देखो 42,050 के सस्टेन अबव करता है तो 42,200 की लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे नजर बना कर रखे, अभी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल देता हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल आपके चार्ट के ऊपर डाल दीजिए। तो 40,800 का सपोर्ट था जो आज का मैंने लेवल दिया था, जो कि 41,050। देखिए 41,050 के लेवल को किस तरह से ब्रेक किया, बढ़िया मोमेंटम अपसाइड को देखने को मिला। क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे लॉजिक समझिए, यहाँ पे पिछली बार भी सेलिंग का प्रेशर आया, यह भी सेलिंग का प्रेशर आया, मॉर्निंग ने वहीं से सेलिंग का प्रेशर आया, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया था तो उनके स्टॉप लॉस इसके ऊपर कटने चालू हुए और यहाँ से शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिला। चलिए मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर देखें तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में और मोमेंटम कहाँ पे आ सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकते हैं यहाँ पे अगर देखेंगे। सो 41,500, देखो 41,500 का जो लेवल है इसके ऊपर सस्टेन करता है, और देखो ये जो कि 41,800 का रेजिस्टेंस रहेगा, मेरे हिसाब से एक बढ़िया रैली आई तो पुट कुछ गैप अप और गैप डाउन होता है तो जो भी मार्केट यहाँ पे डिप लगाए तो इस डिप में एक बढ़िया बाय ऑन डिप के लिए मौका देखने को मिल सकता है। तो 41,200 का सपोर्ट रहेगा, एक बैक टू बैक मार्केट ने बुलिश रैली दी है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम हुई है। तो मंडे के ट्रेडिशन में आपको सजेस्ट करूंगा फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हायर लो देखिए, उस सबसे प्राइजेक्शन देखिए और बाय ऑन डिप अपन जाएंगे। जो इंट्राडे के इंपॉर्टेंट लेवल्स रहते हैं मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा, तो जिन लोगों ने तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए। उसके बाद में थोड़ा फिन निफ्टी के बारे में देखेंगे, डेली थोड़ा फिन निफ्टी के बारे में देखने चालू करेंगे, तो फिन निफ्टी में आने वाले दिनों में ट्रेड करेंगे। यहाँ पे मैं एनालिसिस नहीं करता था लेकिन अभी कर रहा हूँ। तो चलिए फिन निफ्टी ने परफेक्टली यहाँ पे डबल बॉटम कैच किया यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक पे, और एक रिवर्सल ट्रेड देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे 15 मिनट के फिन निफ्टी के लिए कौन से लेवल इंपोर्टेंट रहेंगे तो यहाँ पे देखेंगे फिन निफ्टी के लिए इंपोर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे। तो ये पिछला जो सपोर्ट जोन था, देखिए यहाँ पे सपोर्ट जोन उसकी नियर बाय आ रहा है, जो कि 18,500 का लेवल, देखो 18,500 के लेवल के नियर बाय आ रहा है। और नीचे की तरफ अगर सपोर्ट अगर देखें तो सपोर्ट मेरे हिसाब से जो कि 360 का लेवल देखने को मिला है, 18,360। जब भी 500 के अब सस्टेन करते हैं तो टूवर्ड्स 600 और 650 के लेवल देखने को मिलते हैं। जब भी प्राइजेक्शन आपको यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे बाय ऑन डिप देखने को मिलता है तो अपन बाय ऑन डिप यहाँ पे मंडे के ट्रेडिंग सेशन में जा सकते हैं। लेकिन मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर कुछ बड़ा गैप अप और गैप डाउन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई लो देखना पड़ेगा। गैप फिल के अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और जब फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का ही हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो बहुत बढ़िया रैली अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है, क्योंकि न्यूज बेस से जो शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम चलता आ रहा है एक दो दिनों से, तो वो सब कुछ यहाँ पे सब लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सकूं।